Hello students, how are you? Welcome to class 7. Today we are going to learn mathematics. आज हम लोग का simple equation का last video है इस chapter का और इस exercise में 6.2 में एक number question रह गया है जिसके कुछ question मैं ले रहा हूँ video में. इसी type के बाकी question है वह आपको exercise में मिल जाएंगे. पहला क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नेचुरल नंबर होल सम इन 90. देखिए आपने कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर तो सुना होगा लेकिन आपने इवन नहीं सुना होगा. इवन नंबर वो होते हैं जो टू से डिवाइड होते हैं. ठीक, वन हमारा इवन नंबर नहीं है. ठीक, कोई वेरिएबल हमारा इवन नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पर इवन नंबर क्यों होंगे ये पहले अपन अपना दूर कर लीजिए. हमने लेड किया लेड द टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर एक सी एन का मतलब है कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर बी एक आपका एक्स प्लस टू हो जाएगा दूसरा आपका क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर हो जाएगा. एक आपका एक्स प्लस टू हो गया दूसरा आपका क्या हो गया एक्स प्लस फोर हो गया. देखिए टू और फोर ये इवन नंबर है इसलिए यहाँ टू से स्टार्ट हो गया. हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82 इसका मतलब है आप जैसा क्वेश्चन करा वैसा हम लोग कर रहे हैं. उसने कहा कॉन्स्टिट्यूटिव जो दो इवन नेचुरल नंबर है उनका सम क्या है 90 है तो हमने इन दोनों को सम कर दिया x प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर इक्वल 90. वेरिएबल वेरिएबल ऐड कर लीजिए तो x और x ऐड किया तो आपका 2x आ जाएगा 4 और 2 आपने ऐड किया तो 6 हो गया इक्वल 90. वेरिएबल एक तरह नॉन वेरिएबल एक तरह तो आपका 2x इक्वल आ जाएगा 90 माइनस 6 तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 90 में 6 अब तक किया तो 84 आया. 2 से 84 को डिवाइड कीजिए 24 जाए 22 का 4 x की वैल्यू 42 आई. हमें कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर निकाल लेना cn तो एक हमारा क्या हो जाएगा 42 इसमें रखेंगे आप तो कितना हो जाएगा 44. दूसरा क्या होगा 42 यहाँ रखेंगे 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 46 आपका आंसर आएगा. आप इनको सम कीजिए आपको 90 मिल रहा होगा. इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूटिव वाले क्वेश्चनों का आपको करना है. मान लीजिए आपसे यहाँ पर ये इवन का है अगर और कह दे तब क्या करेंगे तो आप ये और अगर कहे तो आपको इस प्रकार चलना है एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इस प्रकार आपको ये करना है. ओके फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया है वो ये दिया है डिवाइड 150 इंटू टू पावर. उसने कहा 150 के 150 को हम ऐसे दो भागों में विभक्त करें या डिवाइड करें सच दैट 1/4 ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू अदर. जो पहला 1/4 पार्ट है वो दूसरे के क्या इक्वल है. तो देखिए हम लोग करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे लेट वन पार्ट बी एक्स लेट वन पार्ट बी एक्स द अदर पार्ट हो जाएगा आपका 150 माइनस एक्स. इसलिए डिवाइड हो रहा है तो एक्स डिवाइड हो गया जाके भाई जब माइनस होगा तभी वो विभक्त होगा अलग हो पाएगा. फिर हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82 उसने कहा कि टू पार्ट सत्तर 1/4 ऑफ द फर्स्ट पार्ट तो एक्स ठीक है तो 1/4 एक्स बाई फोर हो जाएगा भाई 1 का एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा इक्वल 150 माइनस एक्स बाकी तो कुछ का ही नहीं गया लैंग्वेज में. इसके नीचे आप 1 ऐड कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो एक्स का 1 मल्टीप्लाई किया एक्स आया. 4 का जब आप 150 मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा. 4 का माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x आएगा. अब वेरिएबल एक तरफ नॉन वेरिएबल एक तरफ तो माइनस 4x आपका इस साइड आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो x प्लस 4x इक्वल 600. 4x और x ऐड कीजिए तो आपका 5x आया इक्वल 600. 5 बन गया 5 6 में 5 सब तक 1 आया 10 हो गया 5 2 गया 10 और 5 पर इवन नंबर के 0 x की वैल्यू क्या आ गई 120. तो ये एक पार्ट तो आपका 120 है अदर पार्ट आपका क्या आ जाएगा अदर पार्ट 150 माइनस 120
आप सबसे कर दिए 30, यानी एक पार्ट है 120, दूसरा पार्ट क्या है 30। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी डिवाइड वाले वो भी आप कर सकते हैं। अब आपका है एज वाला क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन में क्या है आपसे कहा गया, एज का जो क्वेश्चन है उसने आपसे कहा तुषार एज, तुषार की जो एज है वो उसकी पुत्री की एज से 7 गुना है। ठीक, तो आफ्टर 5 ईयर्स ही विल बी, अगर 5 साल बाद 4 टाइम्स एज ओल्ड हिज डॉटर, उसकी पुत्री से 4 टाइम्स हो उसकी एज होगी, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ तुषार एंड हिज डॉटर, यानी वर्तमान तुषार के लिए बताइए और उसकी पुत्री के लिए। ठीक, बड़े ये अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, बस इनकी लैंग्वेज को समझने की जरूरत होती है। उसने सबसे पहले क्या कहा, तुषार एज है 7 टाइम्स किसके, उसकी पुत्री के ना, तो बस पहले उसकी पुत्री को लड़ कर लो, लेट लेट तुषार डाटर एज, डाटर एज बी एक्स, तुषार एज 7x होगी, क्यों, क्योंकि उसकी पुत्री की 7 टाइम्स है ना, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब 5, अब ये देखो किस लाइन का काम खत्म हो चुका है, अब यहाँ से लाइन फिर स्टार्ट होगी आफ्टर 5 ईयर, तो आपको लिखना पड़ेगा आफ्टर, देखिए आफ्टर होगा तो हम लोग प्लस यूज करते हैं, अगर एगो या बिफोर आ जाए तो हम लोग माइनस यूज करते हैं, लेकिन इसमें आफ्टर है तो क्या यूज करेंगे, प्लस, क्या प्लस यूज करेंगे। फिर आपको थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तुषार की तुषार डाटा रेज, डाटा रेज एक्स प्लस 5, ठीक, फिर तुषार एज 7x प्लस 5, हमने कुछ नहीं किया, हमने 5 को इसकी एज में डाटा की एज में ऐड कर दिया और फिर 5 को हमने तुषार की एज में ऐड कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखा x प्लस 5 इक्वल 7x प्लस 5, ये तो लिख लिया हमने। फिर उसने कहा कि आफ्टर 5 ईयर ही विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड हिज डॉटर, मतलब अब डॉटर 4 टाइम्स हो रही ना, तो डॉटर वाला क्या x प्लस 5 है, इसने 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का x से मल्टीप्लाई किया 4x आया, 4 का 5 में मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 20, इक्वल 7x प्लस 5, वेरिएबल एक तरफ नॉन वेरिएबल एक तरफ, तो 4x माइनस 7x इक्वल 5 माइनस 20, ऊपर तो आपका हो गया वर्क स्पेस बना ले तभी तो आपको समझ में आ पाएगा, यहाँ बना लेते हैं, तो एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा ना। तो देखिए यहाँ पर तो 7x में 4x सबटेक के लिए तो माइनस का 3x आया, इक्वल माइनस 20 में प्लस का 5 सबटेक के लिए तो माइनस का 15 आया, तो माइनस से माइनस कैंसिल है, तुम लोगों बैगों में क्या है कैंसिल, तो 3 का 15 डिवाइड करो 3 का 15, एक्स इक्वल 5, जो डाटर एज है वो कितने साल की है 5 साल की है, जो डाटर की एज है वो कितने साल निकली 5 ईयर। अब तुषार की एज भी निकालनी है, तुषार एज 7x ना, 7 × 5 करके 7 × 5 = 35, यानी तुषार है 35 साल का और उसकी लड़की क्या 5 साल की। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, उसने कहा कि तुषार जो तुषार है तुषार की एज है 7 टाइम्स उसकी पुत्री की ना, तो हमने क्या किया लेट किया, लेट तुषार डाटर एज भी एक्स और तुषार एज 7x, टाइम्स कहीं होता तो वहां पर वेरिएबल में ही मल्टीप्लाई हो जाता है उस नंबर में, 2 टाइम्स है 2x हो जाएगा, 3 टाइम्स है 3x हो जाएगा, 4 टाइम्स है 4x हो जाएगा, 5 टाइम्स है तो 5x हो जाएगा। फिर उसने कहा आफ्टर 5 ईयर, तो दूसरी लाइन में क्या है आफ्टर 5 ईयर, तो सार डाटर एज में हमने 5 ऐड किया x में, फिर तो सार के एज में भी 5 हमने ऐड कर दिया 7x में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हमने x प्लस 5 इक्वल 7x प्लस 5 लिखा। अब हमें ये करना है कि 4 टाइम जो उसने कहा ओल्ड हिज डाटर से ना, तो 4 का हमने x प्लस 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया तो डॉक्टर के 5 साल है और उसके तुषार की एज है 35 साल,
तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में उन्हें आप अच्छे से कंप्लीट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।